हमें एक टेबल स्पून पाव भाजी मसाला लेना है, एक टेबल स्पून अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट लेना है, दो चीज़ क्यूब्स, और खीरे टमाटर का पानी निकाल लीजिएगा, उसे अच्छे से निचोड़ के 3 टमाटर और एक बड़ा खीरा ग्रेट कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे ब्रिटानिया का चीज़ स्प्रेड लिया है, आप चाहे तो कोई भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में 1 टेबल स्पून तेल में 1 टेबल स्पून बटर डाला है, उसे हल्का सा गरम किया है और उसमें अदरक मिर्ची का पेस्ट डाल दिया है, उसे हमें सौते करना है ज़रा सा, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, जस्ट सौते करना है। ग्रेटेड खीरा और चॉप्ड टमाटर का मिश्रण डालना है और इसी समय पाव भाजी मसाला भी हम ऐड कर देंगे। मिश्रण को ठंडा होने के लिए एक प्लेट में निकाल लेंगे। चीज ग्रेट करने से पहले मैं ग्रेटर के ऊपर ऐसे तेल को लगा लेती हूँ ताकि जब चीज ग्रेट करे तो चीज उसके ऊपर चिपके ना और ये बिल्कुल ही साफ रहता है। एक टेबल स्पून चीज स्प्रेड, और 1 टेबल स्पून बटर मैं मिक्सचर में ही डाल देती हूँ क्योंकि मैं ऊपर से इसको लगा के नहीं पकाने वाली हूँ, हल्का सा ऑयल लगा के ही मैं सैंडविच बनाऊंगी। तो मैंने 1 टेबल स्पून बटर अदरक मिर्ची के साथ ही सौते किया था और 1 टेबल स्पून मिक्सर के अंदर डाला है। मैंने ब्राउन ब्रेड लिया, मैं यहाँ ब्राउन ब्रेड यूज़ कर रही हूँ, इसमें इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। आप चाहे तो कोई भी ब्रेड ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो, मल्टीग्रेन या मैदे की। जितने सैंडविच बनाने हैं उस हिसाब से पहले आप ब्रेड काट के उसकी फिलिंग रेडी करके रख लीजिए। यहाँ पे एक स्लाइस पे मैंने सॉस लगाई है और एक स्लाइस पे मिक्सचर डायरेक्ट लगाया है। आप चाहे तो हरी चटनी लगा के फिर ये मिक्सचर भी लगा सकते हैं। मेरे बच्चों को हरी चटनी नहीं पसंद, इसलिए मैंने नहीं लगाई। सॉस लगाने का ये सबसे बढ़िया तरीका है, इससे बर्तन भी बच जाते हैं। फिलिंग के साथ सारी ब्रेड रेडी है, तो चलिए इसे मैं इसे तवे पे सेक लेती हूँ। आप चाहे तो सैंडविच मेकर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन तवे पे सेकी हुई ब्रेड का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब बिना ऑयल के बनाना है तो सैंडविच मेकर में भी आप बना सकते हैं इसे।
यही सैंडविच रेडी है और पीछे से मेरा लड़का बोल रहा है मुझे जल्दी दे दो मम्मा, तो मैंने उसे एक सैंडविच दे दिया है। खीरे टमाटर को जब सॉटे करके ऐसे सैंडविच बनाया तो मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि बहुत ही लाइट रहता है बॉडी पे, आपका डाइजेशन भी ठीक रहता है, ज़्यादा एसिडिटी भी नहीं होती। जनरली जैसे टमाटर या खीरा रात को मना करते हैं नहीं खाना चाहिए, लेकिन हल्का सा सौते करके आप इसे शाम को जैसे 6-7 बजे डिनर कर रहे हैं तो इसे ज़रूर खाइए, तो बहुत ही लाइट फील करता है और बहुत ही जल्दी हज़म भी हो जाता है। ओ हाँ, चाय, चाय के बिना तो हम खा ही नहीं सकते। आप चाहे तो कोई भी गर्म लिक्विड और जैसे ब्लैक टी हो गई, ग्रीन टी हो गई, जरूर इसके साथ जरूर लीजिएगा। चाय के साथ खाने के साथ आपको फिर गर्म लेना चाहिए लिक्विड में, डाइजेशन ठीक है। Enjoy this monsoon with this delicious sandwich. Happy monsoon. Take care. Bye bye.